नमस्कार, द फॉलोअप के रोजाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी इस लाइव चर्चा में मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो झारखंड में राजनीति के केंद्र बिंदु में है। हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मसले पे जो है एक दूसरे पे हमलावर है। कल का भी जो हमारा लाइव था वो हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ और पक्ष और विपक्ष के उस पर क्या कुछ बयान आए, उस मसले पे ही हम लोगों ने बातचीत की, चर्चा की। और आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बीजेपी के कल के पूरे दावे को ही खारिज कर दिया गया और बकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया गया और साथ ही सवाल उठाया गया, जानकारी ये दी गई कि केंद्र के तरफ से जो हलफनामा, जो शपथ पत्र कोर्ट में दायर किया गया है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से दावा किया गया है। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कहा है कि बीजेपी चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है और तब जबकि हाईकोर्ट में यह पूरे मामला की सुनवाई हो रही है, ऐसे में जब तक कि हाईकोर्ट किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाती है और ख़ास करके तब जबकि ये जो शपथ पत्र दायर किया गया है और उस पर अभी मंगलवार को बहस होनी है और उसके ठीक पहले कोर्टरूम की बातों को जो है बीजेपी अपने दफ्तर में, पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में ले करके आ रही है और ये जो डेमोग्राफी में जो बदलाव हुआ है उसको बांग्लादेशी घुसपैठ से जोड़ करके जो है खास करके संथाल के इलाके में एक साजिश रच रही है कि कैसे हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स की जाए और झारखंड से संथाल को कैसे अलग किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगाया है और इसके पीछे कि जो वजह हैं वो निशिकांत दुबे हैं, उनका बयान है, वो बयान जो है बीजेपी से पीछा जो है नहीं छोड़ा रही है, बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निशिकांत दुबे के संसद में दिए गए उस बयान को लेकर के अब भी जो है हमलावर है और संथाल से झारखंड को अलग करने की एक साजिश बता रही है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा गया, बीजेपी का उस पर क्या रिएक्शंस है, बीजेपी का क्या पक्ष है और क्या वाकई में जिन बिंदुओं पे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उस मसले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या ये झारखंड में पहली दफ़ा हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे। सनी से पहला सवाल है, सनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह दावा है कि ये जो केंद्र के तरफ से जो हलफनामा दिया गया है, शपथ पत्र दिया गया है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र नहीं है, डेमोग्राफी में बदलाव का तो जिक्र है और वो खास करके 5-6 जिलों को जो है जोड़ करके जो है पर्टिकुलर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तब जबकि रांची ही नहीं बल्कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं जब से 1952 का उन्होंने जिक्र किया सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि HEC का जब गठन हो रहा था 1952 में और उसके अलावा जो और जो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया बने, जमशेदपुर हो, धनबाद हो या फिर और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी डेमोग्राफी में बदलाव आया है। जो 1961 का जो डाटा दिया जा रहा है और 2011 का डाटा को दिखा करके और ये भ्रमित करने की कोशिश जो हो रही है कि सिर्फ संथाल में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है वो ऐसा नहीं है, रांची में भी डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। उनका JMM का यह तर्क है कि 1961 में ट्राइबल्स यहाँ सबसे ज़्यादा थे रांची के इलाके में और अभी जो है ट्राइबल्स की स्थिति क्या है, बंगालियों की जो स्थिति थी, बांग्ला भाषियों की, उनकी जो स्थिति थी 1961 में अभी क्या स्थिति है। तो एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा यह एक्सेप्ट कर रहा है कि डेमोग्राफी में तो बदलाव हो रहा है लेकिन अगर उस बदलाव को सिर्फ बांग्लादेशी या फिर मुसलमानों से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, इस तरीके से गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। कल भी मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि डेमोग्राफी हर जगह का बदला है जिसमें कि रांची, जमशेदपुर और तमाम जगह का हम लोगों ने जिक्र किया था और बताया था कि डेमोग्राफी बदला है। आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने वही कहा है, उन्होंने कहा है कि
1952 में जब रांची ज़िले की आबादी जो है 3 लाख थी, आज रांची शहर की आबादी 35 लाख के आसपास है। तो उस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज डेमोग्राफी जो है वो बदली है। वो कह रहे हैं कि सबसे अधिक उस समय जो जनसंख्या है वो यहाँ आदिवासियों की थी और दूसरे नंबर पर बंगाली भाषी लोगों की बांग्ला भाषी लोग। आज स्थिति क्या है? कुल मिलाकर सुप्रियो भट्टाचार्य कहना ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और यही वजह है कि बांग्लादेशी का नाम लेकर वो पूरी राजनीति करना चाह रही है। तब जबकि शपथ पत्र में बांग्लादेशी का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें भले ही सेंसस के आधार पर संख्या कम होने और अधिक होने का जिक्र किया गया है, तो वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। तो इस हिसाब से मुद्दा नहीं होने पर एक मुद्दा तैयार किया जा रहा है ताकि लोग उस हिसाब से जो भ्रमित हों और उनके जो बनाए गए मुद्दे हैं उस पर केंद्रित होकर फिर आगे की राजनीति करें। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो बाहर से जो आ रहे हैं चाहे फिर जो यहाँ पर हैं, वो इस पर फोकस करके काम कर रहे हैं। अभी देखिए बाबूलाल मरांडी भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जामताड़ा में थे, उसके बाद पाकुड़ में थे, अब जमशेदपुर पहुँचे हैं, उसके बाद चंपई सोरेन जो JMM छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो अभी संथाल परगना जाने वाले हैं, तो उनका भी फोकस बांग्लादेशी को लेकर ही है। तो पूरी चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि पूरा जो फोकस है खास करके बीजेपी का वो बांग्लादेशी के मुद्दे पर ही हो गया है और उसी मुद्दे पर ये चुनावी राजनीति में उतरना चाह रहे हैं। क्योंकि कल भी जिस तरह से हम लोगों ने जिक्र किया कि जो एक जोड़ी है आदिवासी और मुस्लिमों की, माना यह जा रहा है कि ये मजबूत जोड़ी है और यही जोड़ी जो है वो इंडिया अलायंस के रास्ते को झारखंड में आसान बना रही है। जो जानकारी निकल आ रही है कि जो इंटरनल सर्वे भी हुए हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उसमें इसी के माध्यम से फ़ायदा बताया गया है, बीजेपी को नुकसान बताया गया है। तो अब उस नुकसान को कैसे फ़ायदे में बदला जाए, उस हिसाब से बीजेपी अपने रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। और सुप्रियो भट्टाचार्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं बातों को दोहरा रहे थे और बता रहे थे कि मुद्दा विहीन हो गई है बीजेपी और यही वजह है कि अब बांग्लादेशी, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है डॉक्यूमेंट्स पर, उस पर अब पूरी राजनीति फोकस करके की जा रही है। तब जबकि जो उपायुक्त हैं 6 जिले के, उन्होंने शपथ पत्र दाखिल करके कह दिया है कि कोई बांग्लादेशी हमारे इलाके में नहीं है। तो बिल्कुल, लेकिन ये सवाल जो है वो अब भी बना हुआ है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र जो है वो केंद्र के द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र में नहीं है और मंगलवार को सुनवाई होनी है। लेकिन पांडे जी, क्या ये जो दावा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्या वो वाकई में सही है? क्या उस शपथ पत्र को आपने पढ़ा और क्या उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र नहीं है जैसा कि बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं? उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का भी जिक्र है, NRC शब्द का भी जिक्र है। NRC अलग चीज है, बांग्लादेशी घुसपैठ अलग चीज है और एक बांग्लादेश के आजादी का जिक्र है। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र है, उसमें केंद्र सरकार ने ये दावा नहीं किया है कि हाँ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको JMM सरीके से पास कर दे रही है और बीजेपी अपने हिस्से का है। बंदर को मिलता है नारियल, आधा उखा जाता है आधा को खा जाता है, वही हाल है। कोई मूल मुद्दा पे जाता ही नहीं है बीजेपी। हो बीजेपी अब क्या कर रही है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है तो NRC करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन केंद्र तो ये मान रहा है ना, क्या उन्होंने बताया? देखिए, केंद्र ने क्या दिया है कि जब भी बांग्लादेशी आते हैं, देश आजादी के बाद से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, 600 से अधिक लोगों को बॉर्डर पे पकड़ा गया था, पूरे भारत का जो औसतन मुस्लिम आबादी का हिंदू आबादी के गिरावट की संख्या है वो ये है और संथाल परगना में ये है, अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई है ये नेचुरल नहीं है। लेकिन देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या पकड़ रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पकड़ रहा है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है अब तक और केंद्र ऐसा मान रही है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ का सबूत नहीं है। लेकिन क्या है कि ये जो जनसंख्या में जो वृद्धि है और जो गिरावट है ट्राइबल्स के जनसंख्या में, उसका जो स्थिति है वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल तरीके का है। और एक सजेशन है कि भाई राज्य सरकार अपने, राज्य सरकार के पास भी पावर है और NRC एक इसको लेकर के जो है एक ऑप्शन है जिसके जरिए जो है इन सारे चीज़ों को पड़ताल किया जा सकता है। ये तो एक सजेशन हुआ ना।
तो केंद्र सरकार वहां से बैठे बैठे कैसे कह सकती है कि बांग्लादेशी आके बस गए हैं? उनके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। आईबी भी रिपोर्ट देगा, एनआईए भी रिपोर्ट देगा, तो गुप्त है। और उस आधार पे जब कोर्ट ने कहा था इन लोगों को एक्यूज्ड बनाने को, तो सुप्रीम कोर्ट ने में यही कहा, कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से यही कहा गया कि उनकी जो सूचनाएं रहती है वो गुप्त रहती हैं, उनको एक पार्टी ना बनाया जाए, केंद्र सरकार इसमें हलफनामा देगी। देखिए ये समझ का फेर है और व्याख्या का फेर है जिस तरीके से बताया जा रहा है, या फिर अपने अपने हिस्से उठाने का भी फेर है। देखिए इसी तरीके की बात आई थी जब, और थोड़ा भविष्य में जाएंगे तो राम मंदिर पे भी जब पहला फैसला आया था आंशिक रूप से, जब अटल, हाँ, तो अटल जी ने, तो उन्होंने क्या कहा था मंदिर में, कहा गया था कि आप टेंट में पूजा आरती कर सकते हैं। अटल जी ने उसकी क्या व्याख्या की कि राम मंदिर में भक्तों को आने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइए पूजा पाठ कीजिए, तो अब पूजा पाठ करेंगे तो वहाँ पे तो उबड़ खाबड़ जमीन नहीं रहेगी, तो उसको समतल तो थोड़ा करना ही होगा, तो चौतरा का निर्माण हो ही सकता है। उसी तरीके की व्याख्या लोग कहते हैं, और सुप्रीम मतलब कोर्ट ने भी ये कह दिया है ये जो पत्थलगड़ी वाले मामले में कि किसी भी फैसले को व्याख्या करना या कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या अपने तरीके से करना गलत नहीं है, फैसले को नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को। अब उसी बात को समझिए, हाई कोर्ट ने ये पूछा था केंद्र से कि आपका क्या राय है ट्राइबल की क्यों आबादी घट रही है, पिटीशनर का क्या क्लाउज है, पिटीशनर ने क्या कोर्ट से मांग की है कि उन्होंने कहा है कि जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है ट्राइबल की, इसकी वजह क्या है? अब उनको उनको बताया गया है कि एक जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अब इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या भाई बांग्लादेशी घुस रहे हैं आप हमारे एथी में, राज्य सरकार ने एफिडेविट दे के कहा नहीं घुस रहे हैं, एक भी नहीं है बांग्लादेशी हमारे यहाँ, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता है। मतलब कि ना राज्य को एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ का सबूत मिला, हाँ, और ना ही केंद्र को मिला। केंद्र खोज ही नहीं रही है ना, वो उसका काम ही नहीं है, केंद्र ने इशारा किया, यही चीज को समझना चाहिए। केंद्र ने कहा हम आपसे जब पूछे ही नहीं कि खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, तो आप कैसे कह दीजिएगा कि हाँ खाए हैं या नहीं खाए। मैंने कहा नहीं, लेकिन केंद्र से तो पूछा गया था, हाईकोर्ट ने बकायदा बोला कि भाई केंद्र सरकार का जो रवैया है वो इस पे दर्शाता है कि वो चुप है एकदम, मतलब उसको केंद्र ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, तब तो समझ का आपका है। देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर जब झारखंड में टच करता ही नहीं है तो उसको कैसे आप किसी को कह सकते हैं केंद्र ने क्या क्या दिया है और उसके मायने क्या क्या लगाए जा रहे हैं। केंद्र ने कहा है कि आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से बांग्लादेशी का इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये समान प्रोसेस है, हाँ, ये कोई नई बात नहीं। हम लोगों ने बॉर्डर पे रिसेंटली 600 आदमियों को पकड़ा था और उनको भेजा था। राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाकर ऐसी मामलों की जांच कर सकती है और उनको अपने वतन वापस कर सकती है। एनआरसी भी एक इसका प्रोसेस है जिससे पता चल जाता है कि कौन भारतीय है। तो आधार कार्ड को बताया गया कि सबके पास आधार और वोटर आईडी है, आधार कार्ड से एफिडेविट मांगा गया तो आधार कार्ड ने ये बताया कि आधार कार्ड होना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, नागरिकता का वो आधार नहीं है। बस ये है, यही कहा है सुप्रीम हाई कोर्ट में केंद्र ने। अब रहा अब हाई कोर्ट के मसले पे है, इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया, उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया। अब पिटीशनर से पूछा जाएगा कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द पिटीशन सर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, तो पिटीशनर के वकील तर्क देंगे कि क्यों ना जांच हो जाए। और बीजेपी इसी को लेकर पीसी कर रही है ताकि एक परसेप्शन बने, और जेएमएम इसका विरोध वो कर रही है कि क्यों करना चाहते हैं। ठीक है आपका भी मान लिए, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी नहीं है, हम कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो इसका फैसला कैसे होगा, जांच से ही होगा ना, तो जांच करा लिया जाए। लेकिन एक जांच तो वो रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो कराया था। अब बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक इंटरनल जांच कराया था और उसमें कुछ पता नहीं चल पाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक नहीं है।
और साथ ही उन्होंने NRC साहिबगंज और पाकुड़ जिला में लगाने का प्रस्ताव भी जो है वो भेजा था, और एक टीम भी यहाँ से असम भेजी थी कि NRC कैसे लगता है, काम होता है, उस पर जो है काम कर सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए कल से ही जैसे ये कोर्ट की तरफ से आया है, मैं अभी वही लगातार ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए कई सवाल पूछ रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई आखिर बॉर्डर किसके जिम्मे है, अगर सचमुच में बांग्लादेशी आ गए हैं झारखंड में तो क्या सिर्फ झारखंड में आए हैं या और कहीं आए हैं, तो अगर आ गए हैं तो फिर कैसे आ गए। वो पूछ रहे हैं कि BSF ने मात्र 57 लोगों को बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा है, ठीक है। ये अब सवाल ये लाजमी है कि जैसा भाजपा कहती है उसी के अनुसार लाखों करोड़ों बांग्लादेशी कैसे देश में घुस आए, गृह मंत्रालय BSF समेत सभी सो रहे थे क्या, 2023 के पहले के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है केंद्र सरकार, जब 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में 5 डबल इंजन हाथी उड़ाओ सरकार रही, तब क्यों यह मुद्दा नहीं उठाया। आज पूरे दिन भाजपा के हैप्पी डिपीट की हवाबाजी पर सवाल पूछे जाएंगे, तो ये लगातार जो हैप्पी डिपीट की कॉपी है उसको लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि देश के गृह मंत्री मान रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी का किसी भी झारखंडी जमीन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये जो शपथ पत्र है उसी का जिक्र करते हुए। हाँ, पर बांग्लादेशियों को असम से लेकर दिल्ली तक बुलावा देने वाली भाजपा सरकार अवश्य है, तो ये लगातार सवाल पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि और एक सवाल उठाकर पूछा गया है कि भाजपा के असम हैंडलर से लेकर झारखंड के मतलब ये बाबूलाल मरांडी के लिए लिखा गया है, और ये फिर अमर बावरी के लिए लिखा गया है कि हर रोज़ चिल्ला चिल्लाकर बांग्लादेशी घुसपैठ बांग्लादेश घुसपैठ चिल्ला रहे हैं, अब उनकी केंद्र सरकार मान रही है कि कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई मामला नहीं, तो ये फिर भाजपा आखिर क्या बताना चाह रही है। मतलब उसी एक लाइन को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पकड़ लिया है, और चूंकि पांडे जी जैसा बोल रहे थे, वो नारियल का उदाहरण दे रहे थे, कहने का इनका तात्पर्य यही था कि चूंकि पॉलिटिक्स हो रही है तो अपने अपने हिस्से का लोग जो है वो चीज़ें उठा करके परोस रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जब यह दावा कर रहा है तो वो साथ ही साथ बकायदा केंद्र के उस शपथ पत्र को भी हवाला दे रहा है जिसमें वो बोल रहा है, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेशियों का जो है भारतीय बॉर्डर प्रवेश करके भारत में आने का जो सिलसिला है वो आज़ादी के बाद से ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अचानक से कोई चीज़ें शुरू हो गई है, लेकिन केंद्र ने जो शपथ पत्र दिया है, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि JMM का यह दावा है, अभी सनी भी पढ़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल हैंडल्स का जो सोशल मीडिया का जो हैंडल्स है उसके जो पोस्ट हैं वो बता रहे थे, और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें कही गई है उसका जो आधार है वो केंद्र का शपथ पत्र है, जिसमें बकायदा मेंशन है कि भाई बांग्लादेशी आते रहे हैं, पकड़े भी गए हैं, लेकिन झारखंड में अब तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है, और यही एक लाइन जो है इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पकड़ लिया है, और इसके आधार पर जो है यहाँ पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन अब इसके आगे का जो सवाल है पांडे जी वो ये है कि ठीक है, BJP अपना एक एंगल पकड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जाहिर सी बात है कि BJP के एंगल पे ना झारखंड मुक्ति मोर्चा चलेगा और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंगल पे BJP चलेगी, सामने चुनाव है, अपने हिस्से की बात करेगी। लेकिन अगर फैक्ट पे आए, अब संथाल से थोड़ा आप दूसरे इलाकों में निकलिए, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है, आपको याद होगा कि इस सरकार का जो आखिरी सत्र मानसून सत्र हुआ उसमें हेमंत सोरेन ने भी जो है सदन नेता के तौर पर जब वो भाषण दे रहे थे सदन के अंदर, तो उन्होंने एक सवाल छेड़ दिया कि बोकारो में, जमशेदपुर में, धनबाद में और रांची में जो है जनसंख्या कैसे बढ़ गया, और उसके पहले शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस की जो विधायक हैं, बंधु तिर्की की जो बेटी हैं, मांडर से विधायक हैं, वो उन्होंने तो बकायदा पहले ही एक सवाल उठा दिया था और देश भर में उसकी चर्चा हो रही थी कि पड़ोसी राज्यों से भी जो है लोग जो है बिहार UP के लोग आ करके यहाँ पर वो डेमोग्राफी बदले हैं इन इलाकों में। मुख्यमंत्री भी एक तरीके से सीधे तौर पे नहीं बोल करके इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बेस बनाया इस लाइन को पकड़ करके, और उन्होंने कहा कि भाई रांची में जब 1952 में
3 लाख जनसंख्या थी, आज 35 लाख सिर्फ निगम का जनसंख्या है, शहर का पॉपुलेशन है। ट्राइबल्स जो पहले नंबर पे थे उनकी आज स्थिति क्या है, वो ना के बराबर दिखते हैं। तो एक सच्चाई तो है, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे, जो दर्शक हैं वो भी देखेंगे कि भाई शहरों में क्या स्थिति है, ट्राइबल्स अब वाकई में जो है जो पहले ज़्यादा थे वो अब बहुत ही कम हैं। तो क्या बीजेपी सिर्फ संथाल के इलाके को पकड़ रही है, बात बाकी के जो सवाल हैं उसको बीजेपी नहीं छू पा रही है? बीजेपी छू रही है, बोल रहे कि बताना चाहिए शिल्पी नेहा तिर्की को और राज्य के मुख्यमंत्री को कि क्या वो बाहरी लोग जो भारत के नागरिक हैं वो झारखंड में आए उनको बांग्लादेशी के बराबर की तुलना कर रही है जय मैम या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? अगर कोई यूपी बिहार उड़ीसा बंगाल से आकर झारखंड में बसा है क्या उसकी तुलना राज्य सरकार बांग्लादेशी से कर रही है? अगर ऐसा कर रही है तो शर्म की बात है। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बोल रहा है कि भाई बाहर से कोई आया ही नहीं और केंद्र के इस नहीं, वो तो कह रहे हैं ना। और इस चीज पे रिपीट हो गया है, कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बोकारो में चेंज हुई, धनबाद में चेंज हुई, रांची में चेंज हुई, साहेबगंज में भी चेंज हुआ, संथाल में भी चेंज हुआ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा मान रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पांडे जी, जो फॉलो झारखंड पे जो दर्शक है वो जाकर के देख सकते हैं, आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि संथाल में, पाकुड़ में, साहेबगंज में, इन इलाकों में भी डेमोग्राफी चेंज हुआ है। ट्राइबल्स क्रिश्चियन का जो संख्या है वो बढ़ा है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी था, वो तो पूछ ही रहे हैं कि भाई क्या ट्राइबल्स और क्रिश्चियन को आप अलग अलग करके देख रहे हैं? तो वो तो बोल रहा है जे मैम कि भाई डेमोग्राफी तो वहाँ भी बदला है, रांची में भी बदला है और बोकारो में भी बदला है, लेकिन एक जगह का क्यों बीजेपी उठा रही है? तो राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, बीजेपी ये कह रही है कि राज्य सरकार आगे बढ़ के एफिडेविट करे कि भाई हम पूरे राज्य में NRC लागू करेंगे, हम पता कर लेंगे कि कौन भारत का नागरिक है कौन बांग्लादेशी है। जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है बताने को। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब राज्य सरकार ये एक्सेप्ट करेगी तब न कि कोई बांग्लादेशी का एंट्री हुआ है, राज्य सरकार ऐसा मान रही है? राज्य सरकार जांच के बाद ही मान सकती है, उससे पहले नहीं मान सकती। DC का रिपोर्ट मतलब कौन जांच करेगा? DC का रिपोर्ट पुख्ता है कि नहीं इसके लिए राज्य सरकार कमेटी बना के फिर से जांच करा सकती है। DC का एफिडेविट कौन आएंगे जांच करने, मतलब वही मैं पूछना और समझना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है, मान ले कि जांच कौन करने आएंगे फिर? राज्य सरकार के, ठीक बात आप बोल रहे हैं कि वही DC और वही SP हैं। राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनाए जो केंद्र सरकार ने हवाला दिया, उसमें IB के भी लोग रहें, NIA के भी लोग रहें और उसके बाद जांच हो जाएगा। IA और IB और NIA के लोगों को इसमें ये नहीं किया जाए, ये तो केंद्र ने बाकायदा बोल दिया है कि भाई BSF और इन लोगों को जो है आप किनारे कीजिए, बाकी की जो चीजें हैं उस पर बात कीजिए, हम लोग बात रख रहे हैं। BSF बॉर्डर का सिक्योरिटी करता है, उनको उससे और अलग, हाई कोर्ट के तरफ से ये था। तो IB और NIA अपनी सूचनाएं एकत्रित करके IB NIA को काम करवाई के लिए देती है। दरअसल अभी कोई भी सरकार ये कह नहीं सकती, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ है। अगर ऐसा आप एडमिट करते हैं कि एक भी है तो पूछा जाएगा नेक्स्ट सवाल तुरंत, तो कार्रवाई क्या किया आपने? तो इसलिए दोनों अपना अपना सुझाव दे के चले जा रहे हैं। केंद्र ने मतलब आप पे बोल रहे हैं, अब यहाँ पे दर्शकों के भी मन में सवाल आएगा, मेरे मन में भी सवाल आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि दोनों जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राज्य हो या फिर केंद्र। केंद्र ये बताया ही नहीं कि बांग्लादेशी हैं या नहीं है, इस मुद्दे पे कोई एफिडेविट नहीं है केंद्र का, आप इस बात को समझ लें। मैं समझ रहा हूँ। हाँ जे मैम, देखिए क्या है कि हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है, एक शपथ पत्र दायर हुआ, DC के तरफ से पहले स्टेट के तरफ से गया, बोला गया कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, एक भी नहीं मिला। हालांकि उस पर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी है, मौखिक ही सही, उस पर भी टिप्पणी है कि अगर कुछ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, जो भी DC जो। हाँ अब है कि केंद्र के तरफ से भी एक डाला गया, JMM एक लाइन को उठा रही है, JMM पार्टी जो है एक लाइन उठा रही है जिसमें वो ये है कि भाई अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि एक चीज तो है लिखा हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, तो वो तो जो DC देंगे वो दूसरे DC थोड़ी आते हैं केंद्र सरकार के लिए काम करने के लिए, वही DC करेंगे, वही SP करेंगे जो राज्य सरकार के लिए करते हैं।
तो जो अगर कहीं थाना में मामला दर्ज ना होना बांग्लादेशी घुसपैठियों का निशानी है, तब तो फिर बहुत सारे हमारे देश में उदाहरण है। अब ये तो कोर्ट को निर्णय लेना है कि अगर वो पिटिशनर को सेटिस्फाइड कर देते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं तो कोर्ट कहेगी कि फिर ठीक है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर हम कह रहे हैं कि दूध में पानी है, आप कह रहे हैं 100% ठीक दूध है, तो लैक्टोमीटर की जरूरत पड़ेगी ना। बीजेपी उसी लैक्टोमीटर की तलाश कर रही है और वो इस लैक्टोमीटर के लिए आज बोला गया कि भाई आप तो पिटिशनर भी नहीं है, तो आप पिटिशनर क्यों नहीं बन जाते हैं सीधे इंटरवेनर बन जाइए। देखिए बीजेपी इंटरवेनर नहीं बनना चाहती क्योंकि वो डायरेक्टली कह रही है कि हम जब सरकार में आएंगे एनआरसी लागू करेंगे, मिनी एनआरसी। इसमें कहीं किंतु परंतु ने उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, अखिल अख्तर सिर्फ इसी मुद्दे के लिए आंसू छोड़ दिए, लेकिन बीजेपी कह रही है हम संथाल में एनआरसी हर हाल में लागू करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो उनका तो स्टेट है, इंटरवेनर क्यों बनेंगे। इंटरवेनर वो बना जाता है कि दो आदमी के बीच में जब चर्चा चल रही है तीसरा आदमी कहे हुजूर हमको भी कुछ बोलना है, दैट इज इंटरवेनर इन कोर्ट। तो वैसा तो मसला है नहीं, बीजेपी स्पष्ट है कि हम सत्ता में आएंगे एनआरसी मिनी एनआरसी लागू करेंगे। मिनी एनआरसी क्या पूरे स्टेट में मतलब, नहीं होगा मतलब खास आप ये बोल रहे हैं पांडे जी कि आप पहले बोल रहे हैं कि एक लैक्टोमीटर की जरूरत है, यानी कि एक ऐसा मशीन जो तय करे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी कह रही है। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि लैक्टोमीटर हाई कोर्ट के सुनवाई से ही फैसले से स्पष्ट होगा। बिल्कुल, अब आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जो जेएमएम का जो डिमांड है कि भाई आप इंटरवेनर बन जाइए, अगर आप एक तरफ सुनवाई भी नहीं हो रहा है, एक शपथ पत्र आया है और उस पर आप पीसी कर दे रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप इंटरवेनर बन जाइए, डायरेक्ट आइए आप। तो आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को इंटरवेनर बनने की जरूरत नहीं है, वो तो बाकायदा एक लाइन पकड़ी हुई है। मतलब कि हाई कोर्ट का फैसला भी अगर कुछ आ जाता है तब भी बीजेपी का जो अपना लाइन है वो उसी पे रहेगी, भले ही वो बीजेपी के उस लाइन के खिलाफ आ जाए फैसला या फिर समर्थन में आ जाए, तब तो और बढ़िया है। बीजेपी का स्टैंड, मान लीजिए ये याचिका खारिज हो जाती है, दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है, पिटिशनर के पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहां जाएंगे। अगर राज्य सरकार को हाईकोर्ट निर्देश कर देती है कि एनआरसी लागू कीजिए, फाइंडिंग कीजिए, एक कमेटी बना के पूरा गहनता से सर्च कीजिए। बीजेपी का ये कहना है कि हमारा तो स्पष्ट स्टैंड है कि हम सत्ता में आएंगे संथाल परगना के इलाके में एनआरसी लागू करेंगे। लोग कहा गया कि भाई बहुत सारे लोग कहाँ से आए, जमीन का कागज नहीं है, पत्थर नहीं है, तो बोले जेएमएम को क्यों इस बात की चिंता है, जेएमएम तो कहती है 1932 दिखाओ, हम तो 72-73 मांगेंगे, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए हमारा, जेएमएम कहाँ आपत्ति है, जेएमएम तो कहती है 1932 दिखाओ, हम तो कहेंगे 72 दिखाओ भाई, 40 वर्ष उसमें भी हम छूट दे देते हैं, जो 72 नहीं दिखाएगा उसको मानेंगे हम कि नहीं है वो भारतीय। तो मतलब बीजेपी अभी इस स्थिति में है कि वो बोल दे चुनाव से पहले कि हम 1972 वाला कागज लेंगे। अरे वो करिए, दूसरे स्टेटों में जहाँ एनआरसी लागू है ना, आसाम में, वहाँ क्या आधार माना गया है कि बीजेपी का जो लाइन है उसी के हिसाब से हम लोगों को बात करनी होगी। मान लिया जाए कि 1972, क्या बीजेपी अभी इस स्थिति में है कि स्टेट में बोल दे कि हम 1972 का काम कागज देखेंगे जमीन का। 72 नागरिकता के लिए अलग होता और स्थानीयता के लिए अलग होता, स्थानीयता पे बीजेपी नहीं करे, जोड़ लेंगे ना लोग के जोड़ने से कोर्ट का फैसला नहीं। पांडे जी आप इसको दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, सनी इधर बोर फील कर रहे होंगे। सनी एक जो दूसरा जो लाइन है वो ये है, अभी एक पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रतुल सहदेव जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया था, वो कह रहे हैं कि जेएमएम कह रही है कि हलफनामा में घुसपैठ का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि मैंने किसी चैनल में लाइव ही दिखा दिया था पढ़कर, जो पॉइंट नंबर 35 है उसमें साफ लिखा गया है कि 1951 से 2011 के बीच के जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों में यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल से सटे पाकुड़ और साहेबगंज जिला से बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है, ये वो बता रहे हैं कि इसका जिक्र है। तो अब तो उसको 35 नंबर पॉइंट को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। देखिए ये 35, 36, 37 ये तीन पॉइंट हैं और इन्हीं सब पॉइंट में से बीजेपी कुछ अपने हिस्से का निकाल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ अपने हिस्से का निकाल रहा है। मुक्ति मोर्चा 36 नंबर पॉइंट को अभी मैं देख रहा था कि वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि आप देखिए कि ये
जो बीजेपी मुद्दा बना रही है वो पूरी तरह से साफ हो गया कि इसमें कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। उस 36 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है जो उसका कटिंग यहाँ पे ये 37 और 36 नंबर, इसमें जो हाईलाइट किया गया है कि एग्जिस्टिंग लैंड लॉ लाइक ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल थ्रू एफिडेविट टू दान पत्र गिफ्ट बाय मुस्लिम टू एक्वायर लैंड इन द रीजन हैव बीन रिपोर्टेड इन वन सच इंस्टेंस अल्ट्रेशन अकर्ड पाकुड़ जुलाई 18, 2024 बिटवीन ट्राइबल्स एंड मुस्लिम व्हेन ए मुस्लिम फैमिली टुक ओवर ए पीस ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ दान पत्र हाउएवर लिंकेज टू बांग्लादेश इमिग्रांट्स इन एनी ऑफ दैज लैंड रिलेटेड कैश हैव नॉट बीन इस्टेब्लिश सो फार। तो इसमें वो बता रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी से मतलब कोई लिंक्ड जो है वो नहीं है इस्टेब्लिश। हाँ, वो उस विवाद को मान रहा है केंद्र, लेकिन बोल रहा है कि भाई ठीक है कि वो उस लैंड पे आदिवासी का जो जमीन है मुस्लिम बता रहा है कि दान पत्र के जरिए जो है हम लिए थे, लेकिन वो मुस्लिम का लिंकेज बांग्लादेशी से नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है। हाँ, ये इसी बात को जिक्र करके और वो लिख भी रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि बीजेपी जो है सिर्फ झूठ कह रही है और उनकी केंद्र सरकार मान रही है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई मामला नहीं है, फिर भी इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वो एक लाइन जो है वो हथियार के तौर पे अब मिल गया है और उसको लेकर के वो राजनीति कर रही है। अब दूसरा जो सवाल है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, चूँकि ये पेचीदगी बहुत है इसमें और चूँकि जितनी लंबी बातचीत हम लोग करेंगे वो होते रहेगी और हमारा जो समय है वो काफ़ी सीमित है। दूसरे सवाल पे आते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो बार बार अब निशिकांत दुबे के उस बयान को न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पार्टी और सोशल मीडिया हैंडल्स इन सब चीज़ों से जो है वो याद दिलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि संथाल को जो है तोड़ने की साजिश हो रही है। आज तो मतलब यहाँ के जो वीर शहीद नायक हैं उन लोगों से जोड़ा गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ये जो बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा से सिद्धू कानू मुर्मू को अलग करने की साजिश हो रही है और ये जो गर्दन है एक तरीके से संथाल हमारा पूरा झारखंड का गर्दन है, वो गर्दन को काटने की कोशिश हो रही है। एक जो ये परसेप्शन अब बनाने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो रहा है निशिकांत के उस बयान को आधार बना करके, ये कल भी सवाल था और आज भी सवाल है और आगे भी ये बयान में रहेगा ही, तो क्या ये मदद कर पाएगा इस एक लाइन के अलावे बांग्लादेशी घुसपैठ के परसेप्शन को खारिज करने के लिए? अब बिल्कुल देखिए, निशिकांत दुबे के बयान से पहले ही बीजेपी कन्नी काट चुकी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो कह चुके हैं कि वो उनका पर्सनल बयान है। कल कोर्ट से ये खबर निकल कर सामने आने के बाद भी कि केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। आज अखबारों में जो खबर छपी कि पाकुड़ और साहिबगंज में मुसलमानों की आबादी 35% बढ़ी, NRC की ज़रूरत, उसे लगाते हुए सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में मेरी कही बात सही हुई, मतलब वो अभी अड़िग हैं अपने बात पर जो कुछ उन्होंने कहा था किनारे का। संथाल परगना में आदिवासियों से शादी कर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी संख्या बढ़ा ली, जमीन पर कब्जा कर लिया, पूरे देश का विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर हमारा जमीन हमारा जीवन अंधकारमय कर रहा है। आदिवासी समाज आज डायनासोर की तरह विलुप्त होने के कगार पर है। यह वक्त आदिवासियों को बचाने का है। बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ, आदिवासी बचाओ, ये एक नारा दे रहे हैं। और आपको याद होगा कि जैसे ही संसद का सत्र ख़त्म हुआ था और उसके बाद निशिकांत दुबे जब लौटे थे तो वो पाकुड़ गए थे, पाकुड़ में जाकर वहाँ लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और फिर वहाँ से भी उन्होंने कहा था कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो बढ़ रही है। तो वो तो अपना जो बयान दिए हैं वो स्टैंड पर कायम है, लेकिन बीजेपी में उनके बयानों का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर उस बयान को अगर हवा दिया जाए तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि ये मैसेज संथाल परगना में गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि झारखंड से अलग करके इसे और अलग अलग राज्यों के कुछ हिस्सों को मिला के अगर सचमुच में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए तो क्या कुछ फ़ायदा नुकसान ये हो सकता है। और JMM चाहती है कि ये मुद्दा बने, इस मुद्दे को किस तरह से हवा दिया जाए। वो जो बयान दिए उस समय भी पूरे झारखंड में अलग अलग जगह पर निशिकांत दुबे के बयानों का विरोध हुआ, तो अब मुझे लगता है कि वो बयान दब सा गया है, लेकिन वो बयान को ज़िंदा रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब गोड्डा गए तो उस बयान का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि गिद्धों की नज़र जो है वो संथाल परगना पर है और वो चाहते हैं कि संथाल परगना
को अलग कर दिया जाए। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया हैंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब खंगालिएगा तो पता चलेगा कि झारखंड के नक्शे में संथाल पुराना को रेड जोन में करके दिखाया जा रहा है कि इसको जो है तोड़ने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर यहाँ पर फिर से सत्ता में आ गई तो हो सकता है कि संथाल पुराना को ही अलग कर दे। तो सबसे पहला एक जो सवाल अब यहाँ पे ये बनता है कि निशिकांत दुबे क्या बीजेपी के कंट्रोल से बाहर हैं, तब जबकि सामने चुनाव है, तब जबकि बीजेपी निशिकांत दुबे के संसद में के अंदर दिया गया बयान से खुद को किनारा कर रही है, खास करके झारखंड इकाई, तब भी एक दिन पहले जिस तरीके से सनी आपको बता रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया कि संसद में मेरी कही गई बातें बिल्कुल सही हो रही है, इसके पहले कि पांडे जी के पास जाएं निशिकांत दुबे के उस बयान को एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि दरअसल संसद में निशिकांत दुबे ने कहा क्या था। निशिकांत दुबे ने खास करके झारखंड के संथाल इलाकों के कुछ ज़िलों को कोट करते हुए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के किशनगंज कटिहार ये जो पूरा जोन है इन इलाकों को कोट करते हुए कहा था कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और संथाल में ट्राइबल्स की आबादी जो है वो घट रही है और उसके पीछे कई सारी वजहें उन्होंने गिनाई थी और एक मांग की थी कि इन इलाकों को झारखंड से संथाल को अलग करके पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और कुछ इलाकों को अलग करके और बिहार का किशनगंज कटिहार ये सब जो इलाके हैं इनको अलग करके जोड़ते हुए जो है इन तीनों को एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए ताकि यहाँ पे निगरानी हो सके, काम हो सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, झारखंड में जो है बीजेपी ने किनारा कर लिया था और बताया था कि वो बयान जो है निशिकांत दुबे का खुद का है, व्यक्तिगत है, लेकिन उन्होंने संसद में बयान दिया था। लेकिन अब देखिए कि फिर से जो है ये मामला चल रहा है और निशिकांत दुबे ने फिर से ट्वीट करके एक तरीके से वो हवा ही दे रहे हैं, तब जबकि मुख्यमंत्री उनके इलाके में जाके बोल रहे हैं कि भाई ये लोग जो है संथाल को बांटना चाहता है, तोड़ना चाहता है। क्या निशिकांत दुबे को बाबूलाल मरांडी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो? बहुत बड़े बड़े पार्टियों में ऐसी ऐसी बातें होती है, छोटी पार्टियों में भी निशिकांत दुबे को कैसे कंट्रोल कर लेंगे। निशिकांत दुबे कोई ओनरशिप में तो आए नहीं है, नहीं प्रदेश वो गुड्डा के सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो तो बोल ही सकते हैं कि भाई झारखंड में सामने चुनाव है, आपके बयान से पार्टी को नुकसान होगी। वो पॉलिटिकल बयान नहीं है बाबूलाल जी, वो मेरा संसद में मेरा अधिकार है बीइंग ए पार्लियामेंट्री मेंबर। और ये ट्विटर पे जो बयान है उनका, हाँ मैंने सही कहा था, मेरा डिमांड सही था, उसमें कैसे आप रोक सकते हैं? आप अपने घर वालों को नहीं रोक सकते बयान देने में। समीर मोहंती ने कहा ना कि हाँ वो अच्छा काम किए थे चंपई सोरेन, तो फिर उनको खंडन छापना पड़ा। तो पार्टियां ऐसी ऐसी बयान देती है, रघुवर दास ने गलत किया, खंडन छापना पड़ा ना। हाँ तो समीर मोहंती ने पार्टी के दबाव पे खंडन छपवाया ना। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या निशिकांत दुबे पार्टी के दायरे से बाहर हैं, बाबूलाल मरांडी को माइनस भी कर दिया जाए। बाबूलाल मरांडी का नाम मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, उस चीज़ का वो खंडन ना तो निशिकांत दुबे कहने पे छपवाएंगे और ना निशिकांत दुबे कहेंगे क्योंकि वो खंडन तो मत छपवाएं। हाँ। लेकिन कम से कम बोलें तो ना, क्या चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से, तब जबकि आप मुख्यमंत्री खुद उस मुद्दे को बोल रहे हैं और झारखंड जैसे प्रदेश में बार बार मैं दोहराता हूँ कि भाई इन सब मसलों को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है, ये इमोशनली कनेक्ट करता है, कोई भी झारखंड ही नहीं, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी का हो चाहे कोई दूसरा स्टेट हो, वहाँ पे अगर आप इस तरीके का चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की अगर बातें हो कि एक इलाके को यहाँ से अलग कर दिया जाए तो वो तो नुकसान ही कराएगी ना भाई पार्टी को। अब तो वो तो निशिकांत दुबे और बाबूलाल का आपस का रिश्ता क्या है और कितना एक दूसरे पे पावरफुल है वही लोग बताएंगे। फिलहाल मैं जितना जानता हूँ निशिकांत दुबे को और बाबूलाल मरांडी को एक दूसरे को वो लोग बंद नहीं करा सकते, दोनों स्वतंत्र हैं। अब रही बात की इसी तरीके का पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती है, पार्टी भी नहीं, पार्टी इतनी छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ती है, इंडिविजुअल किसी के जब तक बयान पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे। पांडे जी हरियाणा का चुनाव चल रहा है, कंगना रणावत ने एक बयान दे दिया जो सांसद के खिलाफ था, नहीं वो पॉलिसी पे नहीं था बयान उनका, उनका बयान था कंगना रणावत का किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया कि आंदोलन के दौरान ऐसी ऐसी चीजें तो हो रही थी, बीजेपी ने बकायदा जो है उस पे खंडन जारी किया और बोला कि भाई ये कंगना रनावत का जो बयान है वो पार्टी का नहीं है और
वो उनका बयान मतलब उन कंगना को बकायदा सजेस्ट भी किया गया, बिल्कुल उनको कहा गया, लेकिन उससे पार्टी और पॉलिसी का थिंकिंग समझ में आता था। और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, जब ये भाषण मंच पे देंगे तब इनको भी मना किया जाएगा। आप इस दोनों को डिफरेंस को समझिए, आप कहीं पे लड़का हैं और कहीं पे बाप हैं, दोनों का अंतर है। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनका अधिकार है, वो अपना विधेयक भी ला सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो उन पे कोई नहीं कहेगा उनको, बिल्कुल मंच पे उनको कहने से मना किया जाएगा, अगर हमको ऐसा लगता है, और किया भी गया होगा। पांडे जी, हम लोग डिजिटल मीडिया के हिस्सा हैं, न्यू मीडिया जिसको बोला जाता है, आज इंटरनेट का जो पूरा दुनिया है, जो क्रांति है, वो डिजिटल मंच से सबसे ज़्यादा कोई दूसरा बड़ा मंच नहीं है। ये जो 10x10 या फिर 20x20 या 100x100 का भी जो मंच लग रहा है, वो भी डिजिटल के जरिए ही जो है आम लोगों तक पहुंच रहा है, और आप डिजिटल पे आप बयान दे रहे हैं, तो ये आप मान रहे हैं ना कि खिलाफ में होगा और बीजेपी को नहीं, उनको मैं बंद मान नहीं रहा हूँ, मैं तो क्यों चाह रहे हैं श्रीकांत को बीजेपी चुप कराए? नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, मैं तो देख रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निशिकांत दुबे के उस बयान का इस्तेमाल कर रही है। निशिकांत दुबे जी का इस्तेमाल कर रही है तो वो बता रही है ना कि भाई संथाल को वो अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये संथाल का जिक्र आएगा तो कारण का भी जिक्र आएगा। पार्टियां वैसी ही करती हैं, कुछ चीज उनके भरोसे मतलब पक्ष का भी होता है तो भी उसके विपक्ष में आवाज उठवाती हैं, और जो उनके विपक्ष का होता है उसके विपक्ष में वो खड़ी दिखाई देती है। मतलब का लाइव अब लंबा हो रहा है, एक आखिरी सवाल है, पांडे जी बोल रहे हैं कि भाई किसी तरीके से संथाल को फोकस में रखना है, और एक तरीके से पांडे जी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की ये पीच है ये, खास करके इस इलेक्शन में, और अगर जेएमएम आ रहा है, चाहे वो निशिकांत दुबे उकसा दे रहे हैं कि हम अपने बयान पे अब भी अड़े हुए हैं, एक तरीके से उनका जो ट्वीट है वो दर्शाता है कि हाँ, जब वो बोलते हैं कि भाई संसद के अंदर कही गई मेरी बात सही है, तो एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो और उकसा रहे हैं कि आप जो है बांग्लादेशी के मुद्दे पे और संथाल पे एटलीस्ट फोकस्ड रहिए, आप इधर उधर मत घूमिए, कोल्हान तो बाकी हम आपके जो नेता हैं उसको तोड़ करके हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, संथाल हमेशा से फोकस में रहा है, आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी RSS में जब काम शुरू किए तो संथाल से ही शुरू किए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो शुरुआत जो है अपनी काम की पार्टी में फिर संथाल से ही किए, और अभी भी संथाल पर फोकस है। संथाल पर इसलिए फोकस है कि मान कर ये चला जा रहा था कि भाई कोल्हान अभेद अगर किला है चंपई सोरेन और तमाम नेताओं की वजह से, और यही वजह है कि 14 के 14 सीट ही उधर है, तो संथाल पर बीजेपी की हमेशा से थोड़ी अच्छी पकड़ रही है और सीट इधर उधर होते रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ से रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन जब संथाल पर काम करना बीजेपी के तरफ से शुरू हुआ तब पता चला कि यहाँ जिन आदिवासियों को अपनी तरफ से लुभा के या उनके पहले बीजेपी के तरफ जो आकर्षित थे JMM के अलावे, तो वो उनका समीकरण किस तरह से डेमोग्राफी बदल रहा है, जिस तरह से अनंत ओझा डाटा पेश करते हुए बता रहे हैं कि 400% तक जो है बूथ में वोटरों की संख्या बढ़ गई है, अचानक से कैसे बढ़ गई है, तो उस हिसाब से फिर पूरे मंथन करने पर पता चला कि एक रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, और फिर जो माना जा रहा था कि यहाँ से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के सामने देखिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 28 रिजर्व सीट जो ST रिजर्व सीट है उसमें से अधिक सीट निकाला जाए, तो वो सीट निकालने का दो फॉर्मूला है, या तो संथाल या फिर कोल्हान, इन दोनों क्षेत्रों में कहीं भी सेंधमारी करके या फिर वहाँ पर वहाँ के नेताओं को अपने तरफ करके, और यही वजह है कि लोबिन हेम्ब्रम को संथाल से लाया गया, चंपई सोरेन को कोल्हान से लाया गया, अब चंपई सोरेन पर भरोसा करके ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 10 से अधिक सीटें हो सकता है कि आए, जो विश्वास है, जो विश्वास चंपई सोरेन हो सकता है कि दिलवाकर पार्टी में आए हों, लोबिन हेम्ब्रम के आने से क्या लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सीट बचा पाएंगे या नहीं, या उस इलाके में लोगों को कितना प्रभावित कर पाएंगे, तो इस हिसाब से अभी बातें चल रही है और उसी हिसाब से रणनीति बनाया जा रहा है, तो ये तो अब पॉलिटिक्स का हिस्सा है और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव चलेगा और ये तब तक इस पर चर्चा होती रहेगी। देखिए, इसमें एक बात समझिए, JMM का जो TM समीकरण है इसका काट खोजना है बीजेपी को, तो TM समीकरण में M समीकरण तो इनके पक्ष में है नहीं, और ये जानते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, M समीकरण मेरे पक्ष में नहीं है, ट्राइबल और मुस्लिम, हाँ, तो ये लोगों ने ट्रेडमार्क निकाला, TM को जोड़ दिया, उसका सबका फुल फॉर्म कर दिया कि ट्राइबल मेरे पक्ष में पहले कम थे,
मतलब पहले ज़्यादा थे, अभी कम हुए हैं, तो उनको जोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, उनको पहले पीड़ित बताओ, तो गाय बथान की घटना से पीड़ित बताया, हॉस्टल वाली घटना से पीड़ित बताया, अब वो भावनाओं को और ज़्यादा उभार रहे हैं कि ताकि ये जो टीएम समीकरण है उसमें दरार आए, उसमें सेंधमारी आ जाए, एक थोड़ा सा हिस्सा आ जाए। बिल्कुल, तो कोशिश तो दरअसल पॉलिटिकल पार्टियों का वोट पाना ही है, भले ही यह कहा जाए कि ये राजनीति के लिए नहीं है, ये देश नीति के लिए है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे। लेकिन आप देखिए कि पांडे जी ने एक बात जो कही आखिरकार, बहुत बहस लंबी होने के बाद, कि दरअसल निशिकांत दुबे के बयान से भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक स्पेस मिल रहा हो संथाल को लेकर के इमोशनल राजनीति करने के लिए, लेकिन बीजेपी की रणनीति का ये भी एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो पीच तैयार कर रही है झारखंड में, वो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो है वो सबसे बड़ी पीच है। ऐसे में कुछ भी करके बीजेपी की रणनीति यही है कि इस मुद्दे पे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उसका ट्विटर हैंडल जो अब एक्स हो गया है, या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स हों, या मुख्यमंत्री हों, या फिर इंडिया अलायंस के दूसरे नेता, इसी मसले पे जो है वो कुछ न कुछ बोलते रहें। तो रणनीति यही है, बेनिफिट्स कितना मिल पाएगा वो तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, हाईकोर्ट में क्या कुछ होगा वो सुनवाई दर सुनवाई जो चीज़ें आएंगी वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। आप फॉलो अप झारखंड पे ऐसे ही बने रहिए, आपको जो है झारखंड की राजनीति से और झारखंड के जो दूसरे तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो सारी खबरें जो हैं यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी खबरें जो है आपको मिलती रहेंगी। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।